हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल अंजू जादव। तो फ्रेंड्स, आज मैं आ चुकी हूँ गाजियाबाद एक मैन्युफैक्चरर के पास में। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है और फैक्ट्री में एंटर करने से पहले मैं पूछ लेती हूँ, तो भैया यहाँ पे इनकी कितनी मशीनें निकल जाती हैं दिन भर में? चार पाँच मशीनें निकल जाती हैं। यानी आप पर डे यहाँ ठेला लगाते हो? यहीं लगाते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम फैक्ट्री में एंटर करते हैं। इन्होंने बताया है ये सुबह से शाम तक यहीं बैठते हैं, चार पांच मशीनें पर डे की बता रहे हैं निकल जाती हैं। अब हम फैक्ट्री में एंटर करते हैं और देखते हैं आज आपके लिए क्या क्या बिजनेस, कौन कौन सी मशीन है और किस तरह से बिजनेस आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि दिख रहा है, मशीनों का हब है, यानी मशीनें बन रही हैं, वर्क चल रहा है। तो यहाँ से आपको बहुत सारी मशीनें देखने को मिलेंगी और अभी मैं भी देखती हूँ कि यहाँ पे क्या क्या बन रहा है, किस तरह से मशीनें बनती हैं और क्या क्या सब कुछ मैं आपको वीडियो में देने वाली हूँ। बिजनेस कुछ खास है, यूनिक है, हटके है। यहाँ से आपको कुछ ना कुछ मिलने वाला है। यहाँ पे आप बोर्ड देख सकते हैं। मैं आ चुकी हूँ मोहन मिश्रा मल्टीट्रेड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पर। तो यहाँ पर जान लेते हैं क्या खास मिलने वाला है। तो भैया आप हमें बताएं, आप किन किन मशीनों में डील करते हैं? मैडम, मैं सब मशीनों को जो हमारे यहाँ मशीन बन रही है, मैं सब मशीनों को डील करते हैं। ये कौन सी वाली मशीन है? स्लेब ट्रॉली है, मेट्रो बोलते हैं इसे। यस सर। तो इसमें छत में मतलब माल ले जाने और लाने के लिए आराम रहती, कोई दिक्कत नहीं होती, जिसमें कम लेबर में काम हो जाता है। तो ये चलती कैसे है? इसको एक लोग मसाला भर के ऐसे झेल के लेके दूसरी जगह ले जा सकते हैं। अच्छा, इस तरह से चलती है ये। तो कितना मसाला इसमें चला जाता है? एक बोरी का मसाला चला जाता है इसमें। और इसको खाली कैसे कर किया जाता है? खाली करने के लिए इसको ये लोक हटाया जाता है। हाँ। इसके बाद इसको ऐसे नीचे के लिए कर दिया जाता है। अच्छा अच्छा। ये घूम भी जाता है इस तरह। अच्छा, इस तरह से घूम भी जाता है जी। और ऐसे माल डाल लेते हैं, इसके बाद फिर इसको ऐसे करके लॉक लगा देते हैं ये। और इसके साथ में और क्या क्या देते हैं आप? इसके साथ तो रेल जाती है इसकी, मेट्रो की। हाँ हाँ। और बैंड दो देते हैं। ठीक है। हाँ, और फिर ऑर्डर के हिसाब से जितना मतलब ऑर्डर होता है वही हिसाब से ये 10-10 फुट की हमारी लेंथ होती है, इसको देते हैं। तो इससे बड़ी भी आप बनाते होंगे? नहीं जी, इससे बड़ी साइज यही रहता है। साइज यही रहता है, इससे बड़ी फिर दिक्कत होती है, लोड रहता है इसमें। हाँ, लोड ले जाने लाने के लिए फिर लोड पड़ता है। अच्छा, अच्छा। जी, और बताएं सर मशीनें। ये मशीन हमारी है 750-16 की मशीन है, हैवी ड्यूटी में। भारत में ऐसी मशीन कहीं नहीं बनती, हैवी लोहा है इसका। इसका 6 इंची का चेचिस है, ट्रैक्टर ट्रॉली वाला हब है, 750-16 का टायर है, 3.5 इंची का फ्रेम है, 60 की शाफ्ट है, टॉप शाफ्ट, और डबल लॉक है हमारा। और ये हंडी की बात करें तो हंडी में 10 mm का तवा है, कली पटरा 10 mm का है, 3 mm की चिमनी है। तो इस हंडी में कितनी बोरी सीमेंट बन जाता है? 1 से 1.25 बोरी का माल बन जाता है। तो कितनी ऊंचाई तक ये माल को लिफ्ट कर देती है? कम से कम 8-9 मंजिल 10 मंजिल तक ले जाते हैं वो। और इसमें ये चलती किससे है? ये इंजन से चलती है, 14 HP का सरदार का इंजन है। हाँ हाँ जी। और ये बहुत अच्छा इंजन है, इसमें कोई शिकायत नहीं आई। हाँ, 6 महीने का वारंटी भी है। ठीक है। अच्छा, इंजन की 6 महीने की वारंटी जी, जी, है जी, जी। तो ये 3 बेल्ट जो है ये आपने क्यों रखी है? ये कभी दिक्कत नहीं आती, मतलब एक टूट गई, ये पहली बात ऐसी कभी वो नहीं आती दिक्कतें, और हो गए तो काम नहीं रुकता, काम चलता रहता है। और ये जो चैन आपने लगाई हुई है, ये चैन तो 1 इंच की चैन है, अच्छी क्वालिटी में चैन है। हाँ, कभी प्रॉब्लम नहीं होती इस तरह। और सर ये टायर में, दूसरों के टायर में आपके टायर में क्या खास है? सर खास ये है कि दूसरों के टायर में हमारा ट्रैक्टर ट्रॉली वाला हब है, तो 750 का टायर है। अच्छा। नंबर होता है ये, मोटी गोटी में भी आता है, जो कस्टमर जैसे मांगते हैं उस तरह दिया जाता है। तो ये नए टायर होते हैं या पुराने टायर होते हैं? मैडम, ये नए टायर आते हैं, आप देख सकती हैं, ये नया दिख रहा है। हाँ सर, नया दिख रहा है, इसकी जो गोटियाँ हैं सब नई है, सब बनी हुई। और भी देख लीजिए इधर, और भी मशीने हमारे पास है। ये लिफ्ट होपर मशीन है सर। जी, इसमें कम समय में ज्यादा काम। इसमें ये 2 हॉपर किस लिए हैं? ये 2 हॉपर नहीं मैडम, ये हॉपर है इधर का, और ये बाल्टी लिफ्ट है। अच्छा। हाँ जी, ये इसका लीवर, ये हॉपर चलता है, ये लीवर से इसकी लिफ्ट चलती है। अच्छा, इससे लिफ्ट जी, चलती जी, है जी। तो इसके इस मशीन का क्या फायदा है? इस मशीन का ये फायदा है कि कम समय में ज्यादा काम। अच्छा, लेबर कम लगती है। अच्छा, और जब तक इसमें माल भरा जाता है, जब तक हंडी में बनकर ऊपर चला जाता है। ये कितनी मंजिल तक माल को पहुँचा? ये लगभग 12-14 मंजिल तक।
अच्छा, जा सकता है। जी जी, बहुत अच्छी मशीन है ये। तो कितनी बोरी का इसमें मसाला बनता है? सवा डेढ़ तक बन जाता है, एक से सवा डेढ़ तक हमारा हंडी में माल बन जाता है। तो इसमें ये टायर वगैरह और ये इंजन वगैरह के बारे में आप बताइए, कैसा क्या लगाते हैं? इंजन तो सरदार का लगाते हैं 14 HP, लेकिन ऑर्डर के हिसाब से कस्टमर क्या मांगता है उसको दे देते, कोई दिक्कत नहीं हमें। और टायर भी हैवी है, आप देख पा रहे हैं इस मशीन के टायर में और इसके टायर में, इन दोनों में क्या अंतर है? इसमें बस ये है कि गोटियों का अंतर है, 50-16 का है। अच्छा, इसमें 8-25-16 भी लग जाता है। ये तो सर आपने बड़ी बड़ी मशीनें दिखाई। जी जी। तो आप छोटी मशीनें भी बनाते हैं? बिल्कुल मैडम, आ जाइए, ये देखो हमारी कितनी। अच्छा, ये सबसे छोटी मशीन है। जी जी, ये हाफ बैग की मशीन है। यस जी, इसमें आधी बोरी का माल बनता है। और ये मोटर से चलती है। ये किससे चलेगी? मोटर। जी, मोटर लगी है। हाँ, इसमें इसको खोल के पार्ट्स ऊपर भी ले जा सकते हैं हम, छत में हर पार्ट्स खुल जाएंगे और ऊपर ले जाकर अपना काम आसानी से कर सकते हैं। जी, और ये मतलब कि इसके फायदे बहुत हैं, गमलों में या लैब में मोल्ड ओल्ड भरने के काम आ सकती है, और मतलब कई लोगों अब छोटे छोटे काम सब आसानी से होंगे। तो गांव देहातों में जैसे छोटे छोटे प्रोजेक्ट, छोटे छोटे प्रोजेक्ट में अपने पर्सनल काम, अपना पर्सनल करना हो या घर में करना हो, चुनाई का, छत का भी सब काम इसमें होएगा। तो इस बिजनेस को कौन कौन कर सकता है, कहाँ कहाँ पे ये मशीनें लगाई जाती हैं? मैडम, इसको ज्यादातर बिल्डर्स लोग और ठेकेदार लोग, गाँव के लोग ले जाकर अपना काम खोल सकते हैं और इसमें 10 से 12-15 हजार तक खूब कमा सकते हैं। बहुत अच्छी किराए पे भी लगा सकते हैं। किराए पे भी लगा सकते हैं, यानी 10-15 हजार पर डे के कमा, पर डे के कमाई है, प्रतिदिन 15 हजार रुपए कमाओ। और इस मशीन में क्या फर्क, इसके टायर भी मुझे थोड़े से चेंज लग रहे हैं। टायर ये फौज वाली गोटी है, ये ऑर्डर की बहुत अच्छी टायर है, नंबर वही है, साइज भी वही है, ऊंचाई भी वही है, और इसकी फौज वाली गोटी दी गई है। बहुत अच्छे टायर है इसमें, इसकी मांग अब ज्यादा चल रही है। हाँ, बहुत अच्छे टायर। तो सर, इस मशीन के बारे में बताएं, ये इसका क्या इसका ये क्लच है, इसका लीवर से खींचने से लिफ्ट ऊपर जाती है और इसी से नीचे आती है, इसी में ब्रेक है। और ये मशीन जाने के लिए तैयार है बिल्कुल। अच्छा, जाने के लिए बिल्कुल तैयार है। बिल्कुल लोड खड़ी है मशीन, अभी जाने वाली है। तो कितनी मंजिल तक माल को लिफ्ट कर देती ये है? ये 10 से 12 मंजिल। तो इसमें कितनी बोरी का मसाला बन जाता इसमें है? इसमें 1.5-1.5 तक मसाला बनाते हैं हम लोग। बहुत अच्छी हंडी है, बड़ी हंडी देते हैं इसको, हाँ, कि कोई प्रॉब्लम ना हो, और कभी आज तक शिकायत नहीं आई हमारी मशीनों में। तो यहाँ तक अगर जो लोग आना चाहते हैं तो कैसे आ सकते हैं? ये स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, नंबर मतलब बात करें सर से और हमारी कंपनी से, कोई भी जाकर उसे मतलब पिकअप कर, हाँ जी जी, ले जाने लाने के बिल्कुल फ्री, खाने पीने रहने की सब व्यवस्था है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि जो भी इन्फॉर्मेशन है आपको सारी मिल गई होगी, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कुछ नए बिजनेस आइडिया के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, मेक इन इंडिया और हैव अ नाइस डे।